ये कितना गंदा है और ये सिर्फ ब्रेकफास्ट है। लेकिन ग्रैनी अपनी पोती को भूखा नहीं रहने देगी। तुम्हारे पास एक पूरी प्लेट है। जोशी ने अपनी प्लेट को फटाफट खाली करने का फैसला किया। ये ग्रैंडमा का पसंदीदा सेट था। जोशी, तुम इतनी शरारत क्यों कर रही हो? शायद इसलिए कि तुम्हें भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास एक आखिरी रिंग बची है? हाँ, ये सोनिक की गोल्ड रिंग है। और ये रहा वो, तुमने एक सीक्रेट लेवल डिस्कवर किया है। मुझे लगा कि अब गिफ्ट सीरियल में नहीं डालते, तुम्हें खाने की जरूरत है। सोनिक डिलीवरी को हमेशा पता होता है कि क्या चाहिए। जोशी बहुत जल्दी जल्दी खोल रही है। पहले ब्लू हेजॉग, अब हैप्पी मील। दादी इस तरह की डाइट के खिलाफ है। सोनिक को फास्ट फूड पसंद है। ऐसा लगता है कि फूड चैलेंज से बचने का कोई तरीका नहीं है। सोनिक और ग्रैनी किचन में एक दूसरे के आमने सामने हैं। मुझे लगता है एक सीरियस लड़ाई होने वाली है। ग्रैंडमा अपनी पोती के लिए सिर्फ बेस्ट ही चाहती है। एक गोल्डन एग, ये एक जैकपॉट है। सोनिक को लगता है कि क्वांटिटी क्वालिटी से ज्यादा जरूरी है। ग्रैनी उसे कैसे हरा सकती है? पर ग्रैनी की अपनी ट्रिक्स है। कुकिंग शुरू करने का समय हो गया है। तुम्हें कैसा लगा सोनिक? अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। पर सोनिक बनाने से ज्यादा खाने में माहिर है। ग्रैनी के मूव्स ने सोनिक को ओवरटेक कर दिया। सोनिक ने हार नहीं मानी, क्योंकि प्यार जरूरी चीज है। ग्रैनी को वो पता है जो किसी को नहीं पता। और एप्पल सीधा उनके गार्डन से आते हैं। सोनिक ने फ्रूट निंजा खेलने का सोचा। उसकी स्पीड के साथ ये आसान था। उसे स्पीड के बारे में क्या पता है? ग्रैनी पैनकेक बनाती है। ग्रैनी को हराना मुश्किल है, लेकिन अभी तक उसके एप्पल पाई को कोई मना नहीं कर पाया। मोल्ड तैयार है, बस इसे बेक करना बाकी है। लेकिन पहले हम थोड़े स्किटल्स डालेंगे। ओह, ये अब तक की सबसे खट्टी मीठी पाई होगी। सबसे इको फ्रेंडली तरीका होता है इसे सूरज में बेक करना। सोनिक ध्यान से, नहीं तो तुम इसे जला दोगे। एप्पल पाई सीधा डिजर्ट हीट से। अब ग्रैनी कौन सी शेखी मारेंगी? मुझे जल्दी करना होगा। और हेजॉग सब कुछ इतनी जल्दी कैसे कर लेता है? ग्रैंडमा ने भी जल्दी करने की कोशिश की। सोनिक, तुम यहाँ सबसे तेज नहीं हो, थोड़ी सी स्मूथिंग। हाँ, प्यार से सारे काम हो जाते हैं। जरा इस मॉन्यूमेंट को देखो। मेरी पोती को चॉकलेट टॉपिंग बहुत पसंद है, और वो भी ढेर सारी। और केक पर चेरी की जगह चेरी केक होगा। अब हम जोशी को सब कुछ दिखा सकते हैं। क्या तुमने हमें याद किया है? स्वीटी, ये रहा तुम्हारा सोनिक लंच। इंस्पेक्टर जोशी ने डिश की इंस्पेक्शन शुरू की। क्रस्ट बहुत हार्ड है। रुको, क्या ये अंडे का छिलका है? सोनिक, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? सबसे मजेदार चीज के लिए रास्ता दो। मुझे लगता है कि ये केक खुद जोशी से भी बड़ा है। सोनिक हार मानने को तैयार नहीं है। जोशी को ग्रैंडमा की डिश बहुत पसंद आई, और अब सब कुछ बहुत स्वीट है। जोशी, तुम ये सब नहीं खाओगे है ना? ग्रैनी के केक के सामने कोई नहीं जीत सकता। ग्रैनी का केक जीत गया। बेचारा सोनिक, वो बहुत उदास है। लेकिन ग्रैनी के लिए सारे बच्चे एक समान हैं। यहाँ तक कि जोशी को भी हेजॉग पर प्यार आ गया। ग्रैंडमा की रेसिपी के साथ तुम एक असली शेफ बन जाओगे। पैनकेक बियर, जोशी को ये जरूर पसंद आएगा। सोनिक ने फिर से अपना लेवल दिखाने का फैसला किया, लेकिन इस बीच उसे डो मिक्स करना है। ये रहा उसके लिए बिना छिलके का अंडा। थोड़ा सा दूध उसकी जरूरत से भी कम। सोनिक के पास इसका हल है। दूध खत्म हो गया। हाँ, मैं मिल्क टैंक जाऊंगा। सोनिक, इस तरह तुम अपने सभी रिंग्स खो दोगे। ब्लू को चोट लग गई, लेकिन उसे ग्रैनी के लिए दूध मिल गया। बहुत बढ़िया काम किया। सोनिक, क्या हुआ? मुझे लगता है कि उसे किसी ने मारा है। चिंता मत करो सोनिक, ये हर किसी के साथ होता है। हाँ सोनिक, काम पर ध्यान दो। लगता है जैसे सोनिक को खुले में खाना पकाना पसंद है। लेकिन पैनकेक्स पकाने के लिए सूरज बहुत कम है। आखिरकार ये तैयार हो गए। सोनिक अपने डेजर्ट पैनकेक्स पेश कर रहा है। मुझे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पका दिया। ग्रैनी चखने में हिचकिचा रही है। सोनिक जानने के लिए बेताब है। उसके पैनकेक से ग्रैंडमा के दांत गिर गए। और ये शेफ की तारीफ नहीं है। उसे पहले ट्राई करने दो।
इतनी सारी सैंड है, प्लेट साफ करते हैं। सोनिक इस फैसले से निराश है, ग्रैनी को उसको सबक सिखाना होगा। वाह, लगता है ग्रैनी के पास भी गोल्ड रिंग है। ये लो सोनिक, कुछ असली पैनकेक्स ट्राई करो, ये बहुत प्यारे हैं। सोनिक, क्या तुम भूल गए? तुम एक बियर बना रहे थे। मैं तुम्हें एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती, ये सब वापस रखो। ये जोसी के बियर के लिए पैनकेक्स है। हाँ सोनिक, अपने आप को बिजी रखो, ग्रैंडमा एक मास्टरपीस बना रही है। मुझे यकीन है कि जोसी को अपनी आर्ट बहुत पसंद आएगी। सोनिक, क्या तुमने सब कुछ खा लिया? ग्रैंडमा उस डिश को कैसे खत्म करेगी? इसे जल्दी वापस रखो, समय नहीं है। हाँ बिल्कुल सेम बास्केट, मुझे उम्मीद है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सोनिक चीजों को ठीक करने में कामयाब रहा। अब सिर्फ ग्रैनी बास्केट की इंचार्ज है। ये बहुत स्वादिष्ट है, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ, लेकिन आज रात ये सब जोसी का है। सोनिक, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। ऑर्डर 122, पैनकेक, बियर और मिल्क शेक। इंस्पेक्टर स्ट्रिक्ट और ईमानदार है। चलो टेस्ट करें, कान खाए जा सकते हैं। मैं शेफ को क्या कहूँ, ये तारीफ है या अपमान? ये बेहतर हो सकता है, तुम्हें शाही मिल्क शेक ट्राई करना चाहिए। हाँ बियर थोड़ा सूखा है, लेकिन साथ में ये बहुत अच्छा है। सोनिक तारीफ से बहुत खुश है, उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। जोसी ने पूरी डिजर्ट को 7 में से 5 क्रिस्टल की रेटिंग दी। पूरे स्कोर नहीं है। हे ग्रैंडमा, मुझे लगता है कि आपके फ्लोर बोर्ड में से आवाज आ रही है। तुम किस लिए खड़े हो? रेसिपी खोलो, जोसी को विनी दीपू पसंद आएगा, चिप्स की तरह। आउच, मुझे लगता है कि ग्रैनी मान गई। हमें पहले चावल उबालने हैं, कलर के लिए हल्दी डालें। सोनिक एक बच्चा है, डिश पर ध्यान देते हैं। अब चावल में एक नया रंग और स्वाद आ जाएगा। ग्राम सोनिक को किचन का इंचार्ज बना देती है। ब्लू हेजॉग कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा, उसे स्वीट्स पसंद है, चावल नहीं। पॉट से दूर रहना ही बेहतर है, लेकिन ये अभी भी उसका पीछा कर रहा है। चावल बनने में कितना टाइम लगेगा? सारी जिंदगी इस बीच सोया जा सकता है। खैर खैर, ऐसा लगता है कि ब्लू आजकल ट्रेंड में है। स्नॉर्लेक्स उत्सुक है, ये स्मेल कैसी है? बेहतर होगा वो इसे घर पर टेस्ट करे। गुड मॉर्निंग सोनिक, ये सोचना भी डरावना है कि ग्रैनी उसके साथ क्या करेंगी। पोर्टल सब कुछ ठीक कर देगा। आओ, इस बार तुम्हारी मनपसंद सॉस तुम्हें निराश कर देगी। पर इसने सोनिक की बहुत मदद की, ग्रैनी को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये डेकोरेशन उसे कंफ्यूज कर देगी। सोनिक सिर्फ क्रिएटिव होना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि ये क्रिएटिव की तरह है। बेशक ये खाया जा सकता है, हमें यही चाहिए। ग्रैंडमा ने बाकी काम करना शुरू किया, सोनिक भी करना चाहता है। ग्रैनी बहुत ध्यान से कर रही है, अब ये विनी दीपू की तरह लग रहा है। हेजॉग को जगह नहीं मिल रही, ग्रीन के बिना बेयर अधूरा है। ठीक है, ग्रैनी ये भूल गई थी, विनी दीपू को शहद पसंद है, और जहाँ शहद वहाँ बी। सोनिक बी ट्राई करना चाहता है, लेकिन लग नहीं रहा ये अंडा बस करेगा। हो गया, बहुत बढ़िया, अब हमें दूसरा कोर्स बनाना होगा। ये सोनिक है, ग्रैंडमा को हेजॉग की मदद करने में खुशी मिलेगी। उनके पास पहले से ही कुछ मजेदार मफिन प्लांट्स है, और देखो कितने हैं। नहीं नहीं सोनिक, थोड़ी देर इंतजार करो। ग्रैंडमा ने अपने टोंग्स कहाँ रख दिए? लेकिन सोनिक मानने वाला नहीं है, किसी को भी एक पीस का गायब होना पता नहीं चलेगा। हाँ तुम जगलर हो, ये रहा टोंग, वापस चलते हैं। क्या हुआ सोनिक? ग्रैंडमा ने किसी वजह से तुम्हें रुकने के लिए कहा था, वो तुम्हें खुद ट्रीट देना चाहती थी, लेकिन ये स्नैक्स का समय नहीं है। ग्रैंडमा सब कुछ रेसिपी के अनुसार बना रही है, उन्हें एक व्हाइट एग की जरूरत है। तुम योग कैसे निकालोगे? शुक्रिया सोनिक, एक दिक्कत कम हो गई। वाह, ये किसी तरह का मैजिक है, ये ग्रैंडमा की ट्रिक है। थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा फ्लोर। सोनिक फ्लेवर और कलर के लिए सिरप डालना चाहता है, ग्रैंडमा भी। ये बहुत बढ़िया होगा। हे सोनिक, ज्यादा मत डालो, अब इसे मिक्स करने का समय हो गया है। लेकिन मिक्सर काम नहीं कर रहा, शायद बटन अटक गया है, बिजली की दिक्कत है। प्लग नहीं लगा हुआ, ग्रैनी ने ऐसे ही प्लान किया था, उनके काम में टांग मत अड़ाओ। तो अब क्या? मुझे लगता है ग्रैनी अपनी दवाई लेना भूल गई है। अच्छी बात है कि प्लान बी है, अब सोनिक नाइट बन गया है और वो ग्रैनी की किचन में मिक्सर की तरह काम कर सकता है। ये उसके लिए बाएं हाथ का काम है। टर्बो मोड शुरू करो सोनिक। हो गया, एकदम बढ़िया। चलो कपकेक में विक डालें।
सोनिक अपनी मिनी कॉपीज को देखकर बहुत खुश हो गया है। आखिरी टच रिजल्ट ग्रैनी की उम्मीद से कई गुना ज्यादा निकला। सोनिक जाकर जोशी को देखकर आओ। हाँ, सोनिक ने छोटी बच्ची के बारे में सोचा ही नहीं और ये सब उसके लिए है। बच्ची बोर हो रही थी। विनी डिपो वाले चावल, हमने बहुत मेहनत की है, खा के पता चल जाएगा। ये क्या है? बी, इसे भी खा सकते हैं। ग्रैनी की उत्सुकता पहले से कहीं ज्यादा है। ओ, इस बी को देखकर कितनी यादें वापस आ रही हैं। नहीं नहीं, ये पास्ट में था और बी ड्रिल नहीं, वो क्या लिख रही है? ग्रैनी भी परेशान है लेकिन वो दिख नहीं रही। कुछ भी जोशी को और सरप्राइज नहीं कर सकता। लेकिन ब्लू मफिन्स, ये दिलचस्प है। इस बार खाने को 7 में से 6 क्रिस्टल मिलते हैं। तुम पहले से अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। और अब ग्रैंड फिनाले डिश। इतनी सारी रेसिपी है लेकिन सिर्फ एक की ही जरूरत है। वाह, रेसिपी टगिंग शुरू हो गया है। ग्रैंड्स इसमें माहिर है और सोनिक हार नहीं मानना चाहता। क्या वो ट्रिक बर्गर बनाना चाहता है? ये फाइनल्स के काबिल नहीं है लेकिन ग्रैनी ट्राई करना चाहती है। सबसे जरूरी है जूसी और ग्रिल्ड पैटी। सबसे मुश्किल हिस्सा है चीज का बिना टूटे खुलना, लेकिन वो किचन के कामों में बहुत माहिर है। अब सैलेड और फिर सब्जियाँ। टमाटर सही तरीके से नहीं कटा और ग्रैनी को पसंद नहीं जब लोग उनके खाने से उलझते हैं। टमाटर को काटने का ये सही तरीका है, बर्गर के लिए बढ़िया है। सोनिक, अभी नहीं, सब कुछ पैटी पर जाएगा। और ये रहे आखिरी टचेस, ये फोटो जैसा है। ग्रैंडमा ने पोटैटो उठाया और सोनिक को उन्हें चॉप करने का बढ़िया तरीका पता है। सोनिक पोटैटोस को काटता है और हो गया, ये बढ़िया है। चिप्स उड़ने के लिए तैयार है। सोनिक, क्या तुम मदद कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कि फ्लोर बिल्कुल भी आवाज कर रहा है। बर्गर चिकन, ये बहुत असली है। ये हमारा अब तक का सबसे बढ़िया काम है। लड़की बर्गर को अच्छे से देखती है लेकिन वो फ्राइज से शुरू करती है। सोनिक का दिल धक धक कर रहा है। जोशी बन खा गई। ओ यार, इस तरह की जॉब होगी तो सोनिक जरूर परेशान हो जाएगा। मुझे लगता है वो अपनी उंगलियां चाटने वाली है। तो क्या रिजल्ट है? ये बिल्कुल परफेक्ट स्कोर का हकदार है। ग्रैंडमा, क्या आपने सुना? 7 में से 7 तुमने कमाए हैं। मुझे वो क्रिस्टल चाहिए ही थे। अब सोनिक अपना सपना पूरा कर सकता है और अपना रेस्टोरेंट खोल सकता है। बधाई हो सोनिक, अब तुम असली शेफ हो। बच्चा टीचर से आगे निकल गया। ओ नहीं, मुझे लगता है पीजू मुश्किल में है। माफ करना लड़कियों, पर पहले दोस्त को बचाना है। सोनिक सही चीज कर रहा है। हमें पीजू को ओपनिंग से पहले बचाना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो चले। रैपिडाश भी इतनी तेज नहीं है। तुम बिल्कुल समय पर आए हो सोनिक, मुझे पता है क्या करना है। ध्यान भटकाना है। सोनिक मारने का कोई मौका नहीं देगा। पोकेमॉन पकड़ना एश की खासियत है। क्या? पर वो कहाँ गया? शायद आबरा भाग गया। सोनिक, ये नहीं हो सकता। अब हमें कोई पोकेमॉन नहीं मिलेगा। हे, मुझे पता है उन्हें कहाँ ढूंढना है। ऑक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब अभी भी उम्मीद है। अगला, क्या मैं 2 मिलियन सुन रहा हूँ? एब्रा बॉस को भागे हुए कैदी के बारे में बताने आया है, पर शायद इसकी जरूरत नहीं। वो खुद रॉस को ढूंढ रहा है। एब्रा ये समझ गया और फैसला किया कि सरप्राइज खराब नहीं करेगा। बस पीछू के लिए ही लोग करोड़ों देने को तैयार है। रॉस के ऊपर ऑफर्स की बारिश हो रही है। आश अपने पोकेमॉन के साथ ये कभी नहीं होने देगा। तुम पकड़े गए रॉस, पर वो वापस जेल में नहीं जाना चाहता। तुम अब घिर चुके हो और अब तुम भाग नहीं सकते, खासकर जब कोई तुमसे तेज हो। सोनिक की स्पीड बहुत तेज हो चुकी है। वो इतना तेज है कि उसके लिए समय रुक गया। हेजॉग को कम मत समझो, भारी पड़ सकता है। काम हो गया। एश भी एक कछुए के जैसा है। अब एश को टीम वापस मिल गई है तो वो इसे रोक सकता है। चार्मी, क्या ये तुम हो? लगता है एक रीमैच का समय है। रॉस, तुम्हारे पास गलती मानने का आखिरी मौका है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। रैपिडाश आखिर एब्रा के हिप्नोसिस से बाहर आ गई। रॉस फिर से जोश में आ रहा है। अब एश और उसकी टीम उतनी डरावनी नहीं है। चार्मी फिर से रैपिडाश से लड़ना नहीं चाहती, पर ट्रेनर को बचाना पोकेमॉन का काम होता है। एक बार फिर से फायर पोकेमॉन आपस में भिड़ रहे हैं, पर चार्मी की पावर्स उसके सामने कुछ नहीं। रॉस इस आसान जीत से बहुत खुश है। चार्मेंडर ने अपनी ताकत जुटाई। चार्मी एवोल्यूशन के अगले पड़ाव पर पहुंच गई।
अब वो चारिज़ार्ड है। वाओ, ये अपोनेंट ड्रापी के लिए बहुत मुश्किल है, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसे फिर से लड़ना होगा। चारी की ताकत और भी बढ़ चुकी है। एक और फायर बॉल और बेचारी रैपिडैश हार गई। खैर बहुत हो गया रॉस, तुम्हारा शो खत्म। तुम जेल में अब नया शुरू कर सकते हो। रुको, ये क्या है? डॉक्टर एगमैन ने पॉकेबॉल को हैक कर लिया। ऑफिसर, मैंने इसे पकड़ लिया। पुलिस जल्द ही इस विलन से निपटने का तरीका ढूंढ लेगी। इसे किसी भी कीमत पर बाहर मत आने देना। ये अच्छा था कोच, स्माइल। वाओ, ये एक मुश्किल दिन था। उसे इसके बारे में अदालत में बोलने दो। पिकाचू, आप पर पोकेमोन के किडनैपिंग का आरोप लगाया गया है। अब तुम पूरे जीवन के लिए अपनी पॉकेबॉल से दूर रहोगी। उसे ले जाओ ऑफिसर, लगता है कोई उनका यहाँ इंतजार कर रहा है। रॉस, वो यहाँ पीचू के लिए आया है। पिकाचू इस बात पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन पिकाचू को अपने बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए। रॉस ने सबसे अच्छे दोस्तों को अलग कर दिया है और उसे इसकी सजा भी नहीं मिली। पिकाचू गुस्से से पागल हो गई है, वो बिना चाबी के बाहर नहीं निकल सकती। ऐसा लगता है कि उसे इसी हालत के साथ जीना होगा। हे, वो अजीब आवाज क्या है? ऐसा लगता है जैसे ये जेल में कहीं से आ रही है। मुझे वहम हुआ होगा, अब ये और भी जोर से आ रही है। ये देखो पिकाचू, ये गैंगर है। ये उसका पिंजरा है और वो बाहरी लोगों का इंतजार कर रहा है। वो शायद इस बात से गुस्सा है कि उसे पार्टी में भी नहीं बुलाया गया। ऐसा लगता है कि पिकाचू को घेर लिया गया है, इसलिए उसे अपना बचाव करना होगा। पिकाचू अपने पड़ोसी का कुछ करना चाहती है, वो शायद बाहर बेहतर होगा। ऐसा दिखाते हैं कि वो पहले से ही वही था। इस बीच ऐश आज के हादसे से अभी उभर रहा है। उन्होंने न केवल हंगामा किया बल्कि उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। ऐसा लगता है जैसे वो अकेले नहीं कर सकता, उसे प्रोफेशनल की एक पूरी टीम की जरूरत होगी। चलो चलें। पिकाचू ने चमकीले रंग की ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन वो इससे बहुत खुश नहीं है। अरे पिकाचू चुप, गार्ड यहाँ है, मैं तुम्हें चुनता हूँ। स्नॉर्लैक्स और जिगलीपफ मदद के लिए तैयार हैं। ऐश के पास बचाने का एक प्लान है। गार्ड ही हमारी रुकावट है, उसे बाहर निकालना होगा। कौन है वहाँ? सब वहीं रुक जाओ, खुद को बचाओ। जिगलीपफ ने गाना गाने का फैसला किया। स्नॉर्लैक्स इससे पहले भी कई बार धोखा खा चुका है, लेकिन अब उसे अपने दोस्त को बचाना होगा। कमाल कर दिया जिगलीपफ। ऑफिसर गहरी नींद में सो गई। अच्छा, पिकाचू लगभग आजाद है, बस गार्ड को मत जगाना। पिकाचू, हम तुम्हें बचाने आ गए। देखो कि तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे लिए क्या मिला है। स्नॉर्लैक्स इस बीच अपने अंदर के जानवर के साथ लड़ रहा है। स्नॉर्लैक्स मत करो, वजह या भूख, कौन जीतेगा? क्या फर्क पड़ता है? ओह नहीं, डोनट को अलार्म के तौर पर रखा गया था। पिकाचू ने तुम्हें चुनौती दी थी, डोनट को छूने की हिम्मत किसने की? जिगलीपफ बच कर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक ऑफिसर अपने जेल में घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगी, और उन्होंने सोचा कि पोकेमोन जेल से भागना इतना आसान है। तुम लोगों ने गलत समय चुना। पिकाचू को बहुत गुस्सा आ रहा है। लगता है ऐश का प्लान फेल हो गया, हमें प्लान बी के साथ जाना होगा। इस बार कामयाब होना होगा। आखिरकार सबसे अच्छे लोग काम पर लग रहे हैं। बीड्रिल, निगरानी रखो, जब तक चारमेंडर पिकाचू को छुड़वा लेगी। चलो करते हैं। पिकाचू थोड़ी देर रुको, हम तुम्हें बचाने आ गए हैं। बस सावधान रहे, पिछली टीम ज्यादा लकी नहीं थी। चारमेंडर अपने गुस्से से सलाखों को पिघलाना चाहती है। उसके हाथों से कोई भी मेटल मक्खन की तरह पिघलने लगता है। इतनी गर्मी की वजह से आग के अलार्म बज गए, ये एक बुरा इशारा है। हमें जल्दी करना होगा। बीड्रिल पोकेमोन को बचाने के लिए समय पर मदद करेगी। ये एक गंभीर लड़ाई होने जा रही है, कोई भी हार नहीं मानने वाला। तुम्हारा हनी के बारे में क्या ख्याल है? लिटिल बी, ये बीड्रिल की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। गार्ड ने बीड्रिल को अपने जाल में फंसा लिया है, अब इससे डर भी नहीं लग रहा है। बाय बाय। अगला कौन है? ऐश का प्लान दोबारा फेल हो गया। चारमेंडर लड़ने के लिए तैयार है, फायर बॉल्स भी तैयार हैं। क्या मैं फायर एक्सटिंग्विशर के बगैर फायर अलार्म के पास आऊंगी? ऑफिसर कभी ऐसा नहीं करेंगी। चारमेंडर बिना लड़े ही सरेंडर कर लेता है। अब एक और घुसपैठिया ऑफिसर के कलेक्शन में शामिल हो जाता है। बेचारी पिकाचू, ऐसा लगता है उसे अभी भी जेल से बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा। ओह, तुम दुखी मत हो। इसी बीच ऐश एक नई टीम को बुलाता है। आबरा यहाँ है, दूसरा पोकेमोन कहाँ है, और ये सुस्त कौन है? ऐश के पास अभी इससे बात करने का वक्त नहीं है। आबरा बिना
बगैर किसी प्लान के इंतजार किए ऐश के दिमाग को पढ़ लेता है। सब कुछ होगा, वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है प्लीज तुम मुझे दुखी मत करना। आबरा ऐश के प्लान को शुरू करता है। उसे इस बात का पता लगाने की जरूरत है कि गार्ड ने पिकाचू के जेल की चाबी को कहाँ पर रखा है। पोकेबॉल में ही? हाँ। अब बस आबरा को उसे पाना है। यहाँ पर क्या चल रहा है? ऐश ने मदद करने का फैसला किया। वो गार्ड का ध्यान भटकाता है टूटे हुए टीवी की मदद से। बढ़िया प्लान है ऐश। ये सब क्या हो रहा है? चैनल लगातार क्यों बदल रहे हैं? मेरा मनपसंद ट्रू फूड कहाँ है? वहाँ से पानी की आवाज़ भी आ रही है। ऑफिसर इन दो चीजों में देरी नहीं कर सकती, टीवी ठीक करना और बाथरूम जाना। आबरा और समय को खराब नहीं करता, वो चाबियाँ उठा सकता है। अब सिर्फ दरवाजा खोलना ही बाकी है। पिकाचू को अब भी कोई उम्मीद नहीं है। बेहतर होगा कि एक झपकी ली जाए। आबरा को भी ये लगता है कि एक अच्छा विचार है। बस 5 मिनट फिर वो अपना काम जारी करेगा। अब ऑफिसर कानून की सेवा करने के लिए तैयार है। ये दोबारा क्या हो रहा है? क्या इस शहर में कोई पोकेमोन बचा है जो आज यहाँ ना आया हो? ठीक है स्लीपी है, तुम पोकेबॉल में ही सोते रहो। ऑफिसर को आज रात को हैट्रिक मिली। वो पोकेमोन कौन है? ये स्लो पोक है। खराब समय हमेशा की तरह। क्या तुम किसी दोस्त को ढूंढ रहे हो? सीधा उसके पास ही जाओ। बिल्कुल नहीं, बहुत हुआ, वो ही मेरी आखिरी उम्मीद है। हेलो, वैसे मैं यहाँ पर हूँ। ये देखो, उन्होंने पिकाचू को पकड़ लिया। पिकाचू ने अपने बचने की उम्मीद खो दी है और गार्ड भी यही है। मुझे लगता है उसने ज्यादा ही काम कर लिया। उसकी शिफ्ट खत्म हुई, उसकी जगह पर अब एक सीनियर ऑफिसर आएगा। हमें इस जगह को ठीक करने की जरूरत है, खासकर इस डोनट बॉक्स को। क्या गार्ड ने 15 मिनट से डोनट को नहीं देखा है? तो तुम इसे कैसे मना कर सकते हो? जल्दी करो मिस्टी, पोकेमोन को बाहर निकालो। देखो उसे, ये ईवी है। क्या तुम गार्ड का ध्यान भटका सकती हो? ईवी के लिए ये आसान होगा। पिकाचू भी खुश था अपने नए बचाने वाले को देखकर। वो अकेली नहीं थी। ईवी एक स्ट्रॉबेरी डोनट से भी ज्यादा सुंदर है। ऑफिसर फंस गया है। मुझे लगता है कि उसका दिल किसी ने चुरा लिया है। अपराधी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। प्यार में डूबे सिक्योरिटी गार्ड ने मिस्टी को चाबी लेते हुए नहीं देखा। पिकाचू अपने सफल ऑपरेशन से बहुत खुश है। एक मिनट रुको, उन्हें देखो। ईवी को मिला मिस्टी का हक। क्या वो खुद को यहाँ सबसे सुंदर समझती है? मिस्टी भी कम नहीं है। फिर से वही हुआ, पिकाचू बस 1 फुट की दूरी पर है जेल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो अभी भी दूर है। हे ऑफिसर, मैं यहाँ पर हूँ। मिस्टी अपनी खूबसूरती दिखाने के चक्कर में अपने पोकेमोन को हार रही है। मिस्टी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? चलो जाओ। ओह ऑफिसर, तुम आज रात क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, इसे नजरअंदाज करो। ईवी सिचुएशन को संभालती है। गार्ड अपनी आँखों को ईवी से नहीं हटा पा रहा है। वो उसके लिए कुछ भी करेगा, वो शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। किसी ने इतने सालों में भी मिस्टी को प्रपोज नहीं किया है और ईवी को पहले लड़के ने मिलते ही कर दिया। कितना प्यारा पल है, ये जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। क्या मिस्टी खुद को रोक नहीं पाई? ईवी को पसंद नहीं है कि ट्रेनर उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दे। चुप हो जाओ, उन्हें हथकड़ी मिलती है रिंग की बजाय। ओह नहीं, अपने आप को बचाओ लड़की। हे मेरी रिंग। ओह नहीं, और मेरा डोनट। ऐश को विश्वास नहीं हो रहा, उसका प्लान दोबारा फेल हो गया। तो अब पिकाचू कैसे बाहर निकलेगा? इसका कोई तो रास्ता होगा। हो सकता है शायद इसका जवाब पोकेमोन बुक में हो। क्या पता किसी तरह कोई सुराग ही मिल जाए। चलो देखते हैं। इस किताब में सभी पोकेमोन की सीरीज है और डिग्री ऑफ इवोल्यूशन भी। अरे नहीं, पीचू और पिकाचू वो रिश्तेदार है। पूरी फैमिली सीरीज यहाँ पर दिख रही है, ये एक बड़ा सबूत है। चलो पिकाचू के पास चले। नया ऑफिसर बेचारे पिकाचू को परेशान कर रहा है, लेकिन ये बेहतर होगा कि तुम इसके साथ खिलवाड़ ना करो। क्या ये तुम्हारे लिए आए हैं? ऐश असली अपराधी को जेल में लेकर आता है। पीचू और पिकाचू रिश्तेदार हैं। इसका मतलब है वो पीचू को किडनैप नहीं कर सकती क्योंकि वो एक ही परिवार के हैं। रुको, कानून के नाम मैं तुम्हें जेल में भेज रहा हूँ। पिकाचू बस थोड़ा और इंतजार, ठीक है? अब आपस में जगह बदलो। इंसाफ मिल गया, अफसर ने फैसला किया ट्रेनर्स को उनका दोस्त वापस दिया जाए। शुक्रिया ऑफिसर, बाय रॉस।
कैसा बदमाश है। रॉस ने कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। क्या अजीब शोर है। गैंगर बाहरी लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। रॉस, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पॉकेबॉल यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगी। यहाँ से भागने का समय है, पर वह किसी भी कीमत पर देखना चाहता है कि ये क्या है। एश को नहीं पता कि क्या करना है। वाओ, ये क्या है, एक पोर्टल। एश, तुमने ये कैसे किया। हेर, ये सोनिक है, तो ये रिंग इसकी है। शायद हेजॉग अभी सो रहा है। हे, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए। तुम्हारा दिमाग ठीक है। मैं अभी घर पर था। क्या हो रहा है। अगर ये सपना है तो तुम पिघल जाओगे। तुमने मुझे गीला कर दिया। अच्छा होगा तुम पोकेमोन लेने में मेरी मदद करो। रॉस अभी यहाँ है। सोनिक ने इससे भी बड़े विलेंस को पकड़ा है। बिल्कुल, रॉस डर गया था, बस थोड़ा ध्यान भटक गया। मुझे याद किया। चलो सोनिक उन्हें सबक सिखाओ। ये कैविटी नहीं, बड़े हथियार लाओ। अब बात अलग है, पर रॉस की टीम हार नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता रैपिड एश का रिंग के साथ खेलने का मन है। एश बुरा सपना देख रहा है। ओह नहीं, ये सपना नहीं है, कोई मदद करो। वार्डन रैपिड एश जेल में शोर बर्दाश्त नहीं करेगी। ओह नहीं, वो फिर से आ गई। हमें भी किसी को बुलाना होगा। एक आखिरी पॉकेबॉल, जल्दी चामी, हम मुसीबत में हैं। तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। चारमेंडर अपनी पिकनिक ऐसे नहीं खत्म करना चाहती थी। चार्मी ने फ्लेम नहीं यूज किया, तो फिर किसने किया। ऐसा लगता है ये जेल दो फायर पॉकेमॉन के लिए बहुत छोटा है। सबसे ताकतवर ही जीतेगा। चारमेंडर ने अपना हमला किया। रैपिड एश को इससे बेहतर की उम्मीद थी, वो भी फायर टेक्निक में माहिर है। शायद इनकी पावर बराबर है। एश, ये कोई गुंडे नहीं है, अपना बैट वापस रखो, तुम सब उड़ा दोगे। फायर एक्सटिंग्विशर रैपिड एश को ठंडा कर देगा। अब टीम एश आगे है। हाँ, उन्होंने रैपिड एश को गुस्सा दिला दिया। चार्मी को ना चाहते हुए भी उसे हार माननी पड़ेगी और पॉकेबॉल में वापस जाना पड़ेगा। उम्मीद की आखिरी चमक भी फीकी पड़ रही है। मुझे कलेक्शन पूरे करने के लिए यही चाहिए था। शुक्रिया एश। रॉस सारे पॉकेमॉन्स को बेच देगा और ट्रेनर का हौसला पूरी तरह तोड़ने के लिए रॉस ने नए गार्ड्स बुला लिए। उसे आर्मडिलो एब्रा और बी ड्रिल बी से लड़ने देते हैं। और तुम उस पर नजर रखना, एब्रा अब उसका ध्यान रखेगा। एश अब एब्रा के भरोसे है। सोनिक की किस्मत अच्छी थी, हालांकि वो अभी तक घर नहीं गया। हे, स्क्रीन पर वो लड़का देखा देखा लगता है। मैंने कीमती पोकेमॉन इकट्ठे किए हैं और मैं इन्हें एक सस्ते रेट पर देने के लिए तैयार हूँ, ये मौका ना छोड़े। सोनिक अब समझ गया कि विलन को कैसे पकड़ना है, पर हम पिछली बार की तरह गड़बड़ नहीं कर सकते। सोनिक को कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। उसे शायद सारे पोकेमॉन का एक साथ सामना करना पड़े, पर ये चैलेंज ब्लू हेजहॉग को और जोश दिला रहा है। उसे एश और पोकेमॉन को बचाना होगा। शायद ये तैयार है, हमें बस ध्यान रखना है कि वो तेज है। वाओ, इस स्पीडोमीटर को देखो। क्या ये पुराना रिकॉर्ड है। अब ठीक है। हाँ, सोनिक अब पूरी तरह तैयार है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ऑक्शन अब शुरू हो चुका है। पहले है म्याउथ, देखने में सुंदर पर दिल से खूंखार। क्या ये बिल्लियों का शो है या एक असली ऑक्शन। शायद रॉस अपनी ऑडियंस खो रहा है। इन्वेस्टर्स को ये पसंद नहीं आई। रॉस के पास अब पोकेमॉन को निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। म्याउथ एक चीज की तरह बेचे जाने से खुश नहीं है। ओह, तुम चूहे और बिल्ली का खेल खेलना चाहोगी। मैं ये कर सकता हूँ। म्याउथ समझ गया कि अमीर के साथ रहना एक पागल के साथ रहने से अच्छा होगा। इस क्यूटी को देखो, तुम इससे कैसे मना कर सकते हो। शेयर होल्डर्स कंफ्यूज्ड हैं। हमें ऐसे ही शुरू करना चाहिए था। आप सबको एक पोकेमॉन चाहिए। बिक गई। अब एश का ध्यान रखने की स्नोरलैक्स की बारी है। एश अब और यहाँ नहीं रुकेगा, उसे जल्द ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। कितना टेस्टी डोनट है। स्नोरलैक्स पक्का मीठे को मना नहीं कर सकता। ये काम नहीं किया है ना, फिर से नहीं। स्नोरलैक्स खाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। क्या मुझे एक मिल सकता है। एश चाबियों के बदले पूरा बॉक्स देने को तैयार है। एक पूरा बॉक्स। वैसे रॉस गुस्सा करेगा, पर ये बहुत अच्छे है। मिठाइयों का लालच भारी पड़ा। आखिर आप ऐसे मिठाइयों को कैसे मना कर सकते हैं। एश आजाद होने में कामयाब रहा। अब बस इसका पोकेमॉन वापस लेना बाकी है। अब उसे कोई ताला नहीं रोक सकता। शायद ये जाम है। नहीं, ये स्नोरलैक्स है, जिसने बहुत ज्यादा खा लिया। उसके पास पूरे बॉक्स को पचाने की ताकत नहीं है। दुखी मत हो एश,
लाइफ एक डोनर के बॉक्स के जैसा है, आपको नहीं पता कब एक खाना पड़ जाए। एश को अभी भी नहीं पता कि वो यहाँ से बाहर कैसे जाए। पिकाचू, ये तुम हो ट्रूम फूड डिलीवरी खास एश कैचम के लिए। एश को याद नहीं उसने बकेट कब ऑर्डर किया। ऑर्डर याद ना होने का ये मतलब नहीं कि तुम पैसे नहीं दोगे। आखिर उसे जेल में पैसे कहाँ से मिलेंगे? वैसे उसे ये चोरी करने की क्या सजा देंगे? दोबारा जेल में डालेंगे। वो इस बार बच गया, पर एश पर उसका उद्धार है। ये बहुत सख्त है, क्या ये लोहे का बना है? और आज बिल्कुल सही था, ये एक ट्रोजन बैकेट है। ये उसकी आजादी की चाबी है। अब वो जल्द ही जेल से बाहर निकल जाएगा। आश, तुमसे कोई मिलने आया है। रॉस ने अब ईवी को भेजा है और वो दिलचस्प है कि आश क्या कर रहा है। क्या ट्विस्ट है, ईवी को बिल्कुल शक नहीं हुआ। आश को नेल फाइन करते देख कर पोकेमोन को जलन हुई। शायद वो ईवी को दे देगा। ईवी की सुंदरता से कोई नहीं बच सकता। ओह नहीं एश, उसे भागने मत दो। क्या सब खत्म हो गया? शायद एश की किस्मत फिर से चमकी है। अब बी ड्रिल की बारी है। एश, तुम्हें यकीन है कि बी को छेड़ना अच्छा आइडिया है? बी खुद भी ये देखकर हैरान है, पर एश ने चिढ़ाना बंद नहीं किया। इसने बी को गुस्सा दिला दिया। वो इसे अभी ठीक कर देगी, पर पहले वो उसे पकड़ेगी। ये काम कर रहा है। खतरनाक डंक पास आते जा रहा है। लेवेंडर, चलो बी अपने छत्ते में वापस जाओ। ये काफी रिस्की था एश। ओह नहीं, खैर ज्यादा खुश मत हो। एश अब बुरा फंस चुका है।